एक पुष्प में चंदन लगा के नीचे वाले उसमें रख दीजिए। हो गई मेघला पूजा हो गई गुरु जी। व्रत में कुरा जी वंदना द्वितीय गणे द्वितीय सिमरु शारदा तृतीय सिमरु शारदा मेरे कारज कारज करो हमें वक्रतुंड महाकाय सूर्य को समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु
गणपति तक मिलकर शर्म आए तो हाथ नीचे
पधारो मोरे अंगना छी गने पधारो मोरे अंगना एक बार हम सब इस परम पावन परम पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थ में सब विराजमान और प्रभु श्री राम की विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर कि हम सब प्रभु श्री राम के चरणों में विराजमान हैं, ये उनकी विशेष अनुकंपा ही है, उनकी विशेष कृपा ही है। तो आज इस नवदिवसीय परायण नवदिवसीय ये जो महापुराण की कथा चल रही थी, आज पूर्णाहुति का अवसर और यज्ञ आहुति का अवसर हमें प्राप्त हुआ और ये प्रभु श्री राम की अनुकंपा ही है, उनकी विशेष कृपा ही है हमारे ऊपर कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम के सौजन्य से और जय मां वैष्णो देवी सेवा समिति और समस्त नगर निवासी सबका सबके ऊपर विशेष अनुकंपा है प्रभु श्री राम की, महामाई की, और विशेष अनुकंपा जिनको श्री राम चरित मानस महापुराण जैसे ग्रंथ को अपने सिद्ध धारे करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस तीर्थ में जिन्हें यहाँ पर पूजा स्थल में विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये प्रभु श्री राम की अनुकंपा ही है। तो आज कथा का अंतिम दिवस, पूर्णाहुति का समय, सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए समस्त भक्त वृंद, श्रोत्री वृंद, आचार्य वृंद और मातृशक्ति जो यहाँ पर विराजमान है और समस्त राम भक्त, सबको इस व्यासपीठ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलें प्रभु श्री राम की मंगल पावन आरती, क्योंकि आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, नीचे भंडारा भी चल रहा है, पूर्णाहुति की भी वेला है,
पुराण को भी वापस जाना है, कथा का भी समापन होना है, तो सब एक साथ ही है, एक ही दिन में। तो इसलिए आज समय कम लेते हुए आज हम प्रभु श्री राम को हृदय के आरती प्रदान करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु श्री राम, कि जैसे आपने हमें अवसर प्रदान किया है, सदैव हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आत्मा दान प्रजाने पादो जाने लो कन्या भाया जाने अग्नि प्रजा बहुला में करोत वन्नम पयोरेतु असमाधु दत्ता ओम आरात्रि पार्थे भक्तंग राजा तिदुर प्राय धाम देवा सदा देवरे आदि विदिष्ठता आत्मे कम भक्ताते तमा ओं जे देवा सो दिव्ये का दादस्था पृथ्विया मदिये का दादस्था अपसुक्षितो महिले का तदस्था ते देवा सो जन्यामि वंजुगत वम्मा ओं चंद्रमा मनज जातस्थक्षो सूर्य अजायत सौराद्वायुचमुगाद्रीरजायत ॐ चन्द्रमा मनसजातुजो श्रोत्राद्वायुच प्राणचमुखाद्रीरजायत अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसव देवता रुद्रा देवता या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहद्वाद देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणाविकारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो तिलका त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं वरुणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते शीतलीकरणम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मवन्दनम् ॐ रोगांस्ते साधवान् सकलान् वेष्टान् स्वमात्मानान् न विपन्नराणां स्वामात्रायाश्रयतां भगवान को नमस्कार कर लीजिए। नमस्कारान समर्पयामि मंत्र गुडवान जलिम समर्पयामि विप्र द्वारा मंत्र गुडवान जलिम समर्पयामि यह कल्पिता सतीरथ राजो जयति प्रयाग बोलिए और रामचंद्र भगवान की बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की बोलिए रामचंद्र भगवान की तो श्री राम कथा
परम पावनी आनंदमयी कथा जो आनंद को देने वाली है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद देने वाली है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि उस व्यक्ति ने बहुत सारे पुण्य किए होते हैं जिसको इस कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, और इस कथा का करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि बहुत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाकर के हमें यह अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदंधकार नाशं विदाय हि तदो दिएत विवेक। कि बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जब बहुत जन्मों के पुण्य फल हमें प्राप्त होते हैं तब हमें यह अवसर प्राप्त होता है, और उस पर भी जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तभी हमें यह आशीर्वाद प्राप्त होता है। और श्री राम प्रभु की यह कथा कि हमें केवल ज्ञान प्रदान करती है, भक्ति का ज्ञान प्रदान करती है, प्रेम का ज्ञान प्रदान करती है, और संपूर्ण श्री रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी ने केवल हर बात का संबंध जो है वो प्रेम से ही जुड़ा है। कि प्रभु श्री राम ने कहा कि बन जाऊं तो कैकेयी जैसी माता जिसको पूरे संसार से बुराई सुनने को मिली, कि कैकेयी जैसी माता नहीं हो सकती, लेकिन वो भी एक माता का प्रेम था जिसने प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पूरे संसार की दोषी बन गई। मैंने पहले भी बताया था कि प्रभु श्री राम को कैकेयी ने थोड़ा ना वनवास दिया, ये तो प्रभु श्री राम की इच्छा थी, और उन्होंने कैकेयी का ही, इसीलिए तो सर्वप्रथम जब वो कैकेयी माता से मिले और चित्रकूट पर भी जब उनकी माताएं आई तब भी वो कैकेयी के ही चरणों में सर्वप्रथम उन्होंने प्रणाम किया और उनको ही हृदय से लगाया, क्योंकि उनका अटूट प्रेम संबंध एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में कलंकित हो गई कैकेयी, किसके लिए, केवल प्रेम के वशीभूत होकर के, पुत्र के प्रेम, प्रभु श्री राम के प्रेम में। और कदाचित कैकेयी तो चाहती ही नहीं थी कि वनवास हो जाए प्रभु श्री राम को, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा थी, प्रभु की लीला थी कि प्रभु श्री राम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कैकेयी ने प्रेम के वशीभूत होकर के, पुत्र प्रेम के वश में होकर के, प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति का आश्रय लेकर के और उन पर कहीं ना कहीं विशेष प्रभु की अनुकंपा रही होगी, विशेष कृपा रही होगी कि इस कार्य को करने का अवसर कैकेयी को ही प्राप्त हुआ। चरित्र अवश्य खराब हो गया लेकिन कर्म खराब नहीं हुआ उनका। कलंकित तो माता कैकेयी हो गई, और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे संसार में उस कैकेयी के बाद आज तक विश्व में कोई कैकेयी ही नहीं हुई। अगर किसी ने रख दिया हो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज तक किसी ने कैकेयी अपनी बेटी का नाम नहीं रखा, क्योंकि वो नाम कलंकित हो गया।
लेकिन केवल प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। और अगर प्रभु की कृपा प्राप्त हो रही हो तो क्या नाम और क्या कलंक। जब प्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है वो दोनों ही अनुरूपों में प्रभु की विशेष अनुकंपा है। अब अगर आपको यश की प्राप्ति हो रही है वो भी प्रभु की कृपा है, और अगर आप कलंकित हो रहे हैं तो वो भी प्रभु की कृपा है, क्योंकि उनके आदेश से के कई ने ऐसा किया। तो कहने का भाव यह है कि संपूर्ण महाग्रंथ, संपूर्ण रामायण केवल हमें प्रेम भाव से रहने का संदेश प्रदान करती है, और बार बार माताओं और भाई बंधुओं का प्रेम का संवाद जिस कथा में बार बार आ रहा है उसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं बाबा तुलसीदास जी का यही है कि पूरा संसार आपस में एक दूसरे से प्रेम करे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो चलें आज कथा की तरफ अग्रसर, क्योंकि कथा बहुत है और समय कम है, पूरी तो मैं भी नहीं सुना सकता, लेकिन जितने मेरे वश में है, जितना मुझे समझ है, जितना मेरे प्रभु श्री राम की मेरे ऊपर कृपा है, उतनी मैं अच्छी आपको सुनाने की अवश्य अपनी तरफ से चेष्टा करूंगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं आपको दिन रात सुनाता रहूं, लेकिन शास्त्रों शास्त्र जो है वो नियमबद्ध है। नव दिवसीय पारायण है तो इसको नव दिवसों में ही खत्म करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको 10 दिन की नहीं रख सकता या 6 दिन की नहीं रख सकता। तो चलें प्रभु श्री राम के चरणों में और प्रभु की लीला का गुणगान सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए जानकी मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान अवतार। प्रभु हनुमान जी श्री राम भक्तिमय होकर के जब समुद्र पर खड़े थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि सीता मैया का किस प्रकार से पता लगाया जाए, तो जामवंत जो अति बुद्धिमान थे तो उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी को उनकी पूर्ण शक्तियों, जो उनकी शक्तियां थी उनसे अवगत करवाया कि हे हनुमान, कि हे राम भक्त, हे संकट मोचन, कि आप तो परम शक्तिशाली हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो समुद्र दिख रहा है इसको लांघना कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का नाम लिया और अपनी शक्तियों का स्मरण किया, और उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं किस प्रकार से बाल्य अवस्था में आकाश मार्ग में उठता था, किस प्रकार से अपने देह को विशाल काय बनाता था, और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपना एक विशाल काय रूप जो है, अपना विराट रूप वहां पर प्रकट किया, और उनके इस विशाल काय शरीर को देख करके, उनकी इस विराट और भव्य स्वरूप को देख करके समस्त वानर सेना अंग नल नील जामवंत और भी अनन्य जो उनके साथ प्रभु श्री राम की सेवा में थे सब देख करके उनके चरणों में बैठ गए, उनको नमन करने लगे, उनको नमस्कार करने लगे, और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर के जैसे ही आकाश की तरफ उड़ान भरी और वो इतने वेग से आसमान में उड़ने लगे जितने वेग से प्रभु श्री राम का वाहन चलता है, क्योंकि जिसको स्वयं प्रभु श्री राम चलाते हैं वह स्वयं राम ही है। तो प्रभु श्री राम के बाण के वेग से
हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए पवन देव की कृपा से आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर से उड़े। हनुमान जी समुद्र में जा रहे हैं, वहीं पर मध्य समुद्र राज में एक सुरसा नाम की एक राक्षसनी का स्वरूप बना करके समुद्र में से सुरसा प्रकट हुई। और जिस मार्ग से प्रभु श्री हनुमान जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक विशाल काय चट्टान की तरह आगे आकर के खड़ी हो गई और हनुमान जी को रोक दिया और कहने लगे कि आज तो तुम मेरे आहार हो, आज तो मैं तुमको खा लूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और किसी बड़े आवश्यक कार्य से जा रहा हूं कि इस समय तो मेरा रुकना उचित नहीं है, परंतु मैं ऐसा करूंगा कि जब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगा। तो सुरसा कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी तुम आ गए हो तो अभी तुमको मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा और मैं तुमको खा जाऊंगा। और प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान ने कहा अच्छा केवल मुंह में प्रवेश करना है? बोलती हाँ। तो पहले तो प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी का विराट रूप था और जैसे ही सुरसा मुंह खोलने लगी है कि उन्होंने अपना मुख जो है हनुमान के भी शरीर से बड़ा कर दिया और हनुमान जी ने धीरे 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 बिल्कुल एक छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुरसा का मुख बड़ा हो गया और हनुमान जी छोटे, और जब तक सुरसा अपना मुंह बंद करती तब तक हनुमान जी अंदर जाकर के बाहर आ गए। बोले जय श्री राम। बोला कि हे माते अब तो मैं आपके मुख में जाकर के आ गया हूं, इस प्रकार से सागर में अनेकानेक राक्षसों से उनके मार्ग में विघ्न डाले, देवताओं ने उनकी बहुत बार परीक्षा ली, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी उस समंदर को लांघ गए और उन्होंने लंका में प्रवेश किया। और उन्होंने जब लंका में प्रवेश किया तो इतना लंबा सफर तय करके उनको भूख लग गई। और वानरों की एक विशेषता है कि जहां पर भी फलदार पेड़ पौधे या फिर कुछ ऐसा देखते हैं तो पहले उनका खाने को ही दिल करता है, और वो सीधे पहुंच गए रावण की सबसे बढ़िया वाटिका, बहुत सुंदर वाटिका, शोक वाटिका में, जहां पर सीता मैया विराजमान है। एक वृक्ष के पेड़ की छाया के नीचे सीता बैठी है और उनके समक्ष त्रिजटा जैसी अनेका अनेक खंखार राक्षसनियां उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं। और तभी हनुमान जी ने शोक वाटिका में प्रवेश किया और सोचा कि पहले ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, पहले अपना पेट ही भर लेता हूँ, बाकी काम बाद में करूंगा। और वानर की एक और भी आती है, जो फल अच्छा नहीं लगा तोड़ लेना है, खा के देखना, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फेंकते जाना है। और इस तरह से हनुमान जी ने अशोक वाटिका के उन फलदार पौधों को झिझोड़ कर रख दिया, खाते कम और फेंकते ज्यादा, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। तभी वहां के जो सैनिक रक्षा कर रहे थे अशोक वाटिका की, उनको पता चला तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर उनको मारने के लिए दौड़े, और हनुमान जी तो परम शक्तिशाली, हाथ इतने बड़े बड़े कि अगर गलती से भी हाथ हिल गया तो हजारों लाखों के हिसाब से सैनिक नीचे, हाथ के नीचे, इतना विशाल का है उनका शरीर।
उनको उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किए सैनिकों ने, परंतु कुछ नहीं हुआ और अंततः भोजन की व्यवस्था की गई, सुगंधित भोजन, जो कि कुंभकर्ण को बड़ा पसंद था। भोजन जलेबी, अनन्य प्रकार का स्वादिष्ट भोजन। महाराज, हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो प्रभु रावण का, राक्षस राज रावण का आदेश है हमें। रामचंद्र और लक्ष्मण की सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, पर हमारे अनन्य सैनिक, परम शक्तिशाली सैनिकों को उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। ने कि उनको लंका पर आक्रमण करना पड़ गया, बोले जी उन्होंने ना उनकी पत्नी सीता मैया को लेकर के आ गए हैं, उन्होंने सीता का हरण कर लिया है। और जब इस बात का बोध कुंभकर्ण को हुआ, कुंभकर्ण को भी ज्ञात हो गया कि ये मां चंडी है, ये सीता तो केवल रावण के मन में है, लेकिन ये सीता रावण का काल बन करके आई है, लंका का काल बन करके आई है। रावण अपने भ्रातृ कुंभकर्ण अपने भ्रातृ श्री रावण जी से मिलने गए और युद्ध में जाने से पूर्व उन्होंने रावण से प्रार्थना की कि हे लंकापति, कि हे दशानन, कि आपकी शक्ति को कौन नहीं जानता, आपके वैभव को कौन नहीं जानता, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, और हे राक्षस राज, कि मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि ये जानकी जो है ना, ये काल बन करके आई है लंका का, ये लंका का विनाश कर देगी, ये महाचंडी है और मुझे दिख रहा है। और रावण ने कुंभकर्ण की बात को सुन करके कि प्रभु श्री राम की गाथा गा रहा है, तो उनको फिर क्रोध आ गया कि अरे कुंभकर्ण, कि मैंने तुमको उपदेश के लिए नहीं जगाया, कि मैंने तुमसे उपदेश नहीं मांगा है, कि मैंने तुम्हें केवल इसलिए उठाया है कि आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। फिर बार यही बेनती करता हूँ कि आप सीता को, जानकी जी को, राम को सौंप दें। और वहां से युद्ध के लिए निकल पड़े। बड़े दुखी हुए कुंभकर्ण, क्योंकि उन्होंने भ्रातृ धर्म भी निभाया। उन्होंने पहले एक राक्षस होते हुए भी रावण को समझाया कि युद्ध करना तो मेरा धर्म है, और मैं विभीषण की तरह भी नहीं हूं कि मैं उनकी तरफ से जाकर के लड़ूंगा, कि लड़ूंगा तो मैं आपकी ही तरफ से, परंतु अगर मैं आपको यह बताकर के नहीं जाता, अगर आपको मैं यह समझाता नहीं, तो कल को आप यह नहीं बोलते कि कुंभकर्ण ने मुझे समझाया नहीं था, तो मैंने दोनों ही बातों में अपना धर्म निभाया है, और अब मेरा धर्म केवल युद्ध करना है। और कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए रण में उतर पड़े। जैसे ही वो रण में पहुंचे, दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हो रहा है, और वहां पर उन्होंने बड़ा उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। और तभी उनकी दृष्टि विभीषण जी पर पड़ी। दो सुंदर बालकों के साथ विभीषण जी विराजमान हैं। तो विभीषण जी अपने भाई कुंभकर्ण से मिलने के लिए वहां पर आए। उनका शरीर इतना विशाल काय था कि उन्होंने खड़े होकर के जब अपना हाथ भूमि पर रखा, तो विभीषण जी को अपने हाथ में उठा करके अपने समक्ष ऊपर लाए और विभीषण से वार्ता की। विभीषण ने कुंभकर्ण को प्रणाम किया और दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगे। और जब कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, तू देशद्रोही है, कि तुमने कुल का नाम खराब कर दिया, अरे भाई कैसा भी है, तुमको भाई के साथ ही रहना चाहिए था, और तुमने भाई को छोड़ दिया,
तो भीमसेन जी ने कहा कि नहीं कुंभकर्ण, कि तुम नहीं जानते हो कि मैंने लंकापति रावण रात्रश्री को बहुत समझाने की चेष्टा की, मैंने उनको बहुत समझाया कि आप जानकी जी को राम जी को लौटा दो, और उन्होंने मेरा पूरी सभा में तिरस्कार करके मुझे लात मार करके वहां से निकाला। मैं कोई देशद्रोही नहीं हूं, मैंने तो अपने कुल का नाश होने से बचाने के लिए ही कहा था कि मेरे कुल का नाश ना हो, इसीलिए मैंने रावण को यह संदेश दिया था कि आप राम से युद्ध ना करें, जानकी जी को वापस कर दें। और राम जी कोई साधारण नहीं है, राम जी तो स्वयं प्रभु नारायण का अवतार है। कुंभकर्ण उसकी बातों को सुनकर के अश्रुपात करने लगा, कहने लगा कि हे विभीषण, कि तुमने अपना धर्म निभाया है, अब मुझे तो अपना धर्म निभाने दे। और प्रभु श्री राम कृपा से विभीषण को उन्होंने छोड़ दिया और युद्ध करने लग गए, और बड़ा भारी भयंकर युद्ध किया। लाखों करोड़ों के हिसाब से उन्होंने सैनिक राम सेना के सैनिकों को ध्वंस कर दिया, वानर सेना को मौत के घाट उतार दिया। परंतु प्रभु श्री राम जब उसके समक्ष आए तो प्रभु श्री राम ने सबसे पहले उनकी दोनों भुजाएं काटी, फिर उनका मस्तक काटा, और फिर उनका धड़ काट दिया, और ऐसे कुंभकर्ण को प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति मिल गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और पूरी राम सेना में एक उत्सव सा मनने लग गया, क्योंकि अब लंका में केवल दो ही महापराक्रमी, जितनी सेना जा चुकी थी उसके बराबर एक एक पराक्रमी बचा था, केवल दो, लेकिन वो दो जो थे वो हजारों करोड़ों के बराबर थे। उन पर विजय पाना कोई आसान नहीं था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण थोड़ा शोकाकुल हुआ, रावण थोड़ा शोक में डूब गया कि कुंभकर्ण जैसा महापराक्रमी इन दो बालकों ने मार गिराया। तो रावण को आश्चर्य बड़ा हुआ, लेकिन बुद्धि जो अहंकार रूपी चादर ने ढक के रखा है जिसको, वो उसको देखने ही नहीं दे रही है। मेघनाथ जो इंद्रजीत ने इंद्र को भी जीत लिया था, मेघनाथ अपनी महासेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के साथ पहुंचा, और उसके साथ युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी समक्ष आए, और वो इतना पराक्रमी था कि उसने एक समय अपने वाण से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया, विषैले नागपाश में, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उस नागपाश में बंधे हुए भूमि पर गिर पड़े मूर्छित अवस्था में। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख करके, मूर्छित देख करके पूरी सेना व्याकुल हो गई। नागपाश से मुक्त किया। दूसरे दिवस इंद्र जीत जो है, जो पूरी खुशी से विभोर उठा था कि मैंने तो दोनों को नागपाश में बांध दिया, लंका में जाकर के डींगे हांकने लगा कि अब तक तो वो दोनों मृत्यु के घाट उतर चुके होंगे। और उसने अपनी माया की शक्ति से लक्ष्मण की पीठ पर आघात किया, और जब शक्ति जाकर के लक्ष्मण जी को लगी तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर के
पर गिर गए। श्वास रुकने लगे, धड़कन की गति थम गई, कम होने लगी। उनको देख करके सारी वानर सेना जो है वो व्याकुल हो उठी, दुख के सागर में डूब गई। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण को शक्ति लगते ही, जब लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे हैं, तो प्रभु श्री राम जी अश्रुपात करने लगे कि हे लक्ष्मण, कि मैं माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, कि तुमको कुछ नहीं होगा। और प्रभु श्री राम ने अपनी गोद में लक्ष्मण जी का सर रखा। और लक्ष्मण जी एक दिन वो भी था जब सोए थे, एक बार नागपाश में बंद गए तब सोए, 14 वर्ष में लक्ष्मण जी केवल 2 ही बार सोए, और वो भी प्रभु की कृपा से। एक बार प्रभु के साथ सोए और दूसरी बार प्रभु श्री राम की गोद में सोए। बोले जय श्री राम। प्रभु श्री राम गोद में उसका सर रख करके उसको सहला रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सारी वानर सेना एकदम शोक में डूब गई है और लक्ष्मण जी कोई भी हरकत नहीं कर रहे, हिल नहीं रहे, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तभी वैद्यराज को लाने के लिए हनुमान जी ने लंका की और राजमहल की ओर प्रस्थान किया, और जो रावण के वैद्य थे उनको लेकर के आ गए। और वैद्य जब आने के लिए तैयार नहीं हुए तो हनुमान जी उनको उनके भवन के साथ ही उठा करके ले आए कि भैया तू नहीं चलेगा, मैं तेरा घर के साथ ही ले जाऊंगा। चल ठीक है, तू घर मत छोड़, तू घर में ही बैठा रहे। और जब जाकर के वैद्यराज ने लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण के प्राण जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल में हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि प्रातः काल होने से पहले, कल देखा था ना, सुना था आपने कि लक्ष्मण जी ने एक बेर खा करके फेंका था, संजीवनी बूटी लानी होगी, तो उसको लाने के लिए प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी तैयार हुए। और उन्होंने कहा कि सूर्य उदय से पूर्व अगर आप ये बूटी लेकर के आ जाते हैं और ये बूटी, ये संजीवनी का सेवन लक्ष्मण को हम करा देते हैं तो ये पुनर्जीवित अवस्था में आ जाएंगे, पुनर्वैसी की वैसी अवस्था में आ जाएंगे। और प्रभु श्री राम से तुरंत हनुमान जी ने आदेश लिया, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और जय श्री राम का नाम लेकर के हवा में उड़ गए। और रास्ते में हनुमान जी को उनके कार्य में विलंब करने के लिए, उनको कार्य में विलंब कराने के लिए राक्षसों ने कई प्रकार के प्रपंच रचे, लेकिन किसी की न चली, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं रुद्रांश हैं, रुद्रावतार हैं, उनके आगे क्या राक्षस चलेंगे। जो सुबह शाम नर मुंडों की माला अपने गले में लेकर के घूमते हैं उनको राक्षस क्या करने वाले हैं। जो रहते सदा हैं शमशान वासी महाकाल, प्राणों को हरने वाले, रूप अलग लिया है वो अलग बात है हनुमान जी, पर है वो भी कम नहीं रुद्र से, वो भी प्रचंड रुद्र हैं। और उनके मार्ग में जितने भी प्रपंच राक्षसों ने रचे सबको निष्फल कर दिया हनुमान जी ने। और जहां पर महासंजीवनी विराजमान है पर्वत पर जाकर के वहां पर संजीवनी को ढूंढने लगे। अरे
वैद्यराज ने तो बताया था कि वो संजीवनी जो होगी वो चमकने वाली होगी, वो रात्रि में ना चमक रही होगी, और यहाँ तो पूरा का पूरा पर्वत ही चमक रहा है, तो मैं बूटी कौन से लूं, अभी तो वापस भी नहीं जा सकता और सुबह तक तो मुझे बूटी लेकर के वापस जाना है। तो उन्होंने युक्ति लगाई, ऐसा करता हूँ ये छोटा सा पहाड़ पूरा ही उठा करके ले चलता हूँ, जो उनको अच्छा लगे रख ले और जो नहीं है फिर देखे। बोले जय श्री राम। और हनुमान जी ने वो पूरे का पूरा पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया और बड़े वेग से पुनः लंका की तरफ चले। और जब वो पर्वत उठाए हुए ऊपरी मार्ग से जाते हुए भरत ने देखा, और भरत जी ने कोई राक्षस ऐसा तो नहीं जो अवध को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस अयोध्या नगरी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और जैसे ही हनुमान जी को वो बाण लगा है, उस पर्वत के सहित हनुमान जी भरत के समीप आकर के गिरे और भरत ने उनके मुख से श्री राम, प्रभु श्री राम, श्री राम का नाम सुना, उनका जाप सुना, तो भरत जी व्याकुल हो उठे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो कोई राम भक्त है, मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है और मैंने इसे बाण मार दिया। बड़ी शीघ्रता से उन्हें जल पान करा करके उनको चेतना दी, उनको सचेत किया। और जैसे ही हनुमान जी अपनी पूर्व दशा में आए तो भरत जी ने पूछा कि हे वानरराज, आप इतना बड़ा पर्वत लेकर के कहां जा रहे हो और आप हो कौन? तो हनुमान जी ने कहा कि पहले आप ही अपना परिचय दे दीजिए कि आप कौन हैं। बोला जी मैं तो भरत हूं, दशरथ नंदन। और जैसे ही भरत का नाम हनुमान जी ने सुना तो कहने लगा कि हे संत, कि हे भरत, कि मैंने प्रभु श्री राम से आपकी महिमा ही केवल सुनी थी और आज मैं आपको देख करके धन्य हो गया। और हे प्रभु भरत, कि मैं पवन पुत्र और राम भक्त हनुमान हूं और आज मैं बड़े आवश्यक समय आवश्यकता से इस तरफ किसी जरूरी काम से आया था कि प्रभु श्री राम का युद्ध लंकापति रावण से हो रहा है और उसमें लक्ष्मण जी को शक्ति का आघात हुआ है, शक्ति लगी है और जिस शक्ति से वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और मुझे तत्काल ये संजीवनी वहां पर पहुंचानी है। और भरत जी अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। उनके समीप आकर के उर्मिला और सुमित्रा दोनों आकर के खड़ी हैं और राम भक्त हनुमान जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, उसको बर्छी लग गई है, उसके प्राण कभी भी जा सकते हैं, इसलिए मैं संजीवनी को लेने आ रहा हूं। तो भरत जी उसको सुन करके अश्रुपात कर रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी और सुमित्रा रोए नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि कैसी पत्नी और मां हो कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पुत्र मरने वाला है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और ये भाई जोर जोर से रो रहा है। बोले कि हे हनुमान जी, हमें क्षमा करें पर हम क्यों रोएं? बोले जिसके चरणों में वो बैठा है ना, वही तो सबको सुलाने और सहलाने वाला है, सबको हंसाने और रुलाने वाला है। और बोला कि लक्ष्मण को कुछ नहीं हुआ। सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण को कुछ नहीं हुआ कि प्रभु ने भी सोचा कि लक्ष्मण 14 वर्ष से मेरे साथ साथ घूम रहा है, इसने एक भी दिन विश्राम नहीं किया, एक भी दिन ये सोया नहीं, तो आज इसको थोड़ा सुला देता हूँ। बोले जय श्री राम। इसलिए सुमित्रा और उर्मिला जी रोए नहीं। और कहा जाता है, कहीं कहीं पढ़ने में आया है कि उर्मिला भी 14 वर्ष तक सोई नहीं थी, सोई रही, उसको किसी ने नहीं देखा, वो केवल 14 वर्ष तक सोई ही रही। जब लक्ष्मण गए थे तो उर्मिला जी 14 वर्ष तक सोई और जब लक्ष्मण का आगमन हुआ तभी वो पुनर उठे थे।
कल्प भेद है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन कदाचित ये परम सत्य है। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भरत, कि बाकी वार्ता मैं आपसे बाद में करूंगा कभी, अभी तो मुझे बड़ा जरूरी जाना है। तो भरत जी ने कहा कि तुम मेरे वाहन के ऊपर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुरंत वहां पर पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, कि प्रभु श्री राम की कृपा से ये हनुमान पर्याप्त है कि जो समय पर पहुंच सके। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ जा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आ जा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। वान का संधान अपने धनुष पे किया और सीधा रावण की नाभि की ओर चला दिया, और जैसे ही जाकर के वो वान नाभि में लगा, जिसके कारण रावण के जो नाभि में अमृत विराजमान था वो वहां पर से नष्ट हो गया, और वहीं पर वो विशाल काय रावण जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, वहीं पर उसका शव पड़ा है। और तभी कुछ समय के पश्चात मंदोदरी रावण की पत्नी अपने पिता के साथ, अपने संबंधियों के साथ रावण के शव के पास पहुंच करके रोती हुई, विलाप करती हुई, विलपती हुई वहां पर आई और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी कि हे लंकापति रावण, कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सीता जो है ये लंका का नाश करने के लिए आई है, और ये जो बालक आप कह रहे थे ये कोई साधारण नहीं है, परंतु आपने मेरी एक न मानी। परंतु रावण ने भी कहा था कि ये पूरा संसार, कितना तो पहले कभी जो रावण आज है, ना तो ये कभी होगा और ना पहले हुआ। और रावण ने विवश कर दिया है प्रभु श्री राम को इस धरती पर अवतार लेने के लिए, ये पूरा संसार सदैव जब जब राम का नाम लिया जाएगा
तब तब रावण का नाम भी लिया जाएगा। मंदोदरी वहां पर विलाप कर रही हैं और प्रभु श्री राम ने महाराज विभीषण को, हनुमान जी को आदेश दिया कि सम्मान, कि सम्मान सहित रावण के इस शव को उनके घर वालों के हाथ में दे दिया जाए, उनको सौंप दिया जाए, ताकि वो विधि विधान से इनकी क्रिया कर सके, इनका संस्कार कर सके। रावण के संस्कार के उपरांत प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया, विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम अब 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी अवधपुरी की तरफ भी उन्होंने गमन करना है। सीता मैया से मिले, जानकी जी उनको देखकर के प्रसन्न हो गई। श्री राम प्रभु, जानकी, लक्ष्मण अश्रुपात करने लगे, जैसे कई हजार वर्षों के बाद किसी को जल मिल गया है, जैसे एक मछली को तड़पते हुए एकदम से जल के प्रभाव में छोड़ दिया हो, जैसे तपती हुई आग में झुलसते हुए को एकदम से किसी पेड़ के नीचे शीतल हवा प्रदान कर दी हो, प्राप्त हो गई हो। अश्रुपात करने लगे, सबने प्रभु श्री राम की जय जयकार की। और इस कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले ही सदैव उनकी शरण के शरणागत बनते हैं। राज्याभिषेक, विभीषण का राज्याभिषेक करने के बाद प्रभु श्री राम हनुमान, लक्ष्मण और जानकी जी और अरण्य उनके साथ अवधपुरी के लिए चले। प्रभु श्री राम को लेने के लिए आकाश से पुष्पक विमान आया, जिस विमान में प्रभु श्री राम विराजमान है जानकी सहित। और प्रभु श्री राम से पहले हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके अवधपुरी में पहुंच गए, और भरत जी जो प्रभु श्री राम की खड़ाओं को वहां पर रख करके उनके चरणों में विराजमान हैं और आज भी अश्रुपात ही कर रहे हैं कि कब 14 वर्ष पूरे होंगे और कब मेरे प्रभु आएंगे। और हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और जाकर के भरत के पास खड़े हो गए और कह रहे हैं कि हे भरत, कि जिस बात का तुझे इंतजार है वो घड़ी बस अब आने ही वाली है। जिस श्री प्रभु राम के दर्शन को तुम व्याकुल हो, वो प्रभु श्री राम आने ही वाले हैं। और जैसे ही भरत ने उस ब्राह्मण रूप ब्राह्मण से यह बात सुनी तो प्रसन्न हो गए, अश्रुपात बंद हो गया और एकदम से खड़े होकर के उस ब्राह्मण के गले लग गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कि पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आप कौन हैं, और दूसरा ये कि आप कैसे जानते हैं कि मेरे मन में प्रभु श्री राम का जाप चल रहा है, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उनके प्रेम को देख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपने उस ब्राह्मण स्वरूप को त्याग करके अपने पूर्व रूप हनुमान जी के रूप में आ गए और कहने लगे कि हे भरत, कि मैं हनुमान हूं, और वो देखो वो जो सामने विमान में आ रहे हैं वो हमारे प्रभु श्री राम है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोली जानकी मैया की। जैसे ही नगरवासियों को पता लगा कि अवध में प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, पूरा नगर, पूरी अवधपुरी खुशियों में, पूरी अयोध्या को घी के दीपक जला करके सुंदर
सुशोभित कर दिया, सुंदर सुसज्जित कर दिया, पुष्पों की माला से, पुष्पों से पूरी अयोध्या नगरी को ढकसा दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम अवधपुरी में विराजमान होते हैं, जैसे ही अवधपुरी में पहुंचते हैं, तो भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं गुरुदेव वशिष्ठ सुमंत जी सब जो हैं वो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए खड़े हैं। सबने प्रभु श्री राम को पुष्पक विमान से उतरते हुए देखा और जैसे ही भरत जी ने देखा कि प्रभु श्री राम विमान से उतरे हैं, वैसे ही भरत जो है जाकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़ा, रोने लगा, अश्रुपात करने लगा और प्रभु श्री राम ने बलपूर्वक भरत को उठा करके अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। उसके बाद माताओं को प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया, अपनी कुशलता का संदेश दिया, सब नगरवासियों को अपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया और पूरी अवध में एक अजीब जैसी खुशी, एक नया उत्सव सा मनने लग गया। चारों तरफ से चमकते हुए, जलते हुए सुंदर सुंदर दीप जो अयोध्या की शोभा बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ से आशीर्वाद लिया, तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने भरत जो अयोध्या में रह करके एक तापस वेश ही धारण करके रहा, और जब भरत और राम जी इकट्ठे हुए तो उनको देख करके ये पता नहीं लग रहा था कि इनमें से राम जी कौन है और लक्ष्मण भरत जी कौन है। दोनों ने एक जैसी वेशभूषा धारण की हुई, प्रभु श्री राम ने तीनों भाइयों का अभिषेक किया। राम जी ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया, पश्चात प्रभु श्री राम का अभिषेक हुआ और पूरे अवधवासी, पूरी अवधपुरी खुशियों से संपन्न हो गई हो, जैसे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने से सबके घाव जो हैं वो पूर्ण हो गए हो। ऐसी सुंदर परम पावनी है श्री राम कथा। प्रभु श्री राम ने कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक यहां पर राज किया और तत्पश्चात प्रभु ने स्वधाम जाने का निश्चय कर लिया। और जब प्रभु श्री राम ने अपने स्वधाम जाने का निश्चय किया तो समस्त अवधवासी जो उनके साथ वानर सेना थी वो सब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और प्रभु श्री राम ने सरयू के किनारे सब अवधवासियों को और समस्त भक्तों को अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए, सबके जीवन को कृतार्थ किया, सबके जीवन को संपूर्ण किया और लक्ष्मण जी भी स्वधाम गए। और जब प्रभु श्री राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो शेषनाग अवतार भगवान लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के स्वरूप में आकर के प्रभु के मस्तक को उन्होंने छाया करके ढक दिया और
सब ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये राम कथा जो है जो इस संसार में आकर के प्रभु श्री राम के इस परम पावन कथा का रसपान करता है, इस कथा को सुनता है, इस कथा का पठन पाठन करता है, वह संसार का सब संसारिक भोगों से परे प्रभु श्री राम के चरणों का शरणागत बनता है। उसके ऊपर प्रभु श्री राम की विशेष अनुकंपा होती है। राम के दो अक्षर में क्या जाने क्या बल है, नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। गद गद होता कंठ है, नैनों से स्रावित होता जल, पुलकित होता हृदय, ध्यान आता प्रभु का पल पल, यही चाह है नाथ मेरे, नाम जप का कभी तार न टूटे, सब छूटे तो है, सब छूटे तो छूटे, पर ध्यान कभी तुम्हारा न टूटे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। यह शुभ शंभु उमा संवाद, पुण्य पाप हरम, सदा शिव शंकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहं सुविमलम, प्रेमा जर्गमान समिदं भक्त्यावगान्तिये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दम प्राप्तैः चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए संवाद स्वरूप यह शुभ है कि यह मान सरोवर रूपी श्री रामचरित मानस में जो स्नान करते हैं, अर्थात कहते और सुनते हैं और अनुमोद करते हैं, इसमें अवगाहन करते हैं, वह तीनों तापों से छूट जाता है और शरीर रामचरित मानस सर माना है, आकार जल बीज है। इसलिए इस ग्रंथ को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वह आकार से आरंभ किया और यहाँ अंत में वह आकार से ही समाप्ति पर है। जिस प्रकार से भागवत के रचयिता श्री वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि
से भागवत का शुभ आरंभ किया और मध्य में भी सत्यम व्रतम सत्यपरम त्रि सत्यम और अंत में ही सत्य से ही समाप्त किया। इसी प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णा नाम अर्थ संघा नाम से शुरू करके अंत में नो मानवाह कहकर समापन कर दिया और गोस्वामी जी ने ग्रंथ का उपक्रम और संहार दोनों एक ही अक्षर व से किया है। वह तंत्र शास्त्र के मतानुसार अमृत बीज है, अतः इस श्री राम कथा का अत्यंत बकार अमृत बीज है, अतः श्री राम कथा को अमृत बीज से संपुटित कर दिया और यही न्याय है। यदि उपक्रम आदि में कोई बात संदिग्ध हो तो उसका निर्णय उपसंहार से किया जाता है। यद्यपि संदेह की कोई बात भी नहीं है, भगवान शंकर इसका प्रणाम भगवान शंकर ने दिया है, इसका प्रमाण दिया है भगवान शंकर ने, साक्षी है नव दिवसीय श्री रामचरित मानस की है महापुण्यमयी परम कथा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए जानकी मैया की, बोलिए अवध बिहारी लाल की जय। क्योंकि पूर्णावती का समय हो गया है, ये तो बस आज का भजन, अगर मैं आज भजन करता तो जितनी मैंने कथा की है वो भी नहीं कर पाता। बोले जय श्री राम। मीठी मीठी तालियों की सेवा, प्रभु श्री राम के चरणों में अंतिम हाजरी। मत इतरा हो मन बावरे के एक दिन सब मिट जाना है, Thank you.
जो तेरे प्यारे कोई न साथी बनेगा, बीता समय जो जो तेरे प्यारे कोई न साथी बनेगा। तू अकेला ही आया था, तुझे भी अकेले जाना है। तू अकेला ही काली की सेवा मीठी मीठी करके प्रभु श्री राम का गुणगान करना है। बोले श्री बलराम चंद्र भगवान की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की। Oh,
पद गंग हवामय वसो मम आहम जाहि गर्वधमा त्वम जाहि गर्वधम्बा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानय दिगचल सानस्काह मूलम दिय भगवरी स्वाहा नाना सुगंध पुष्पाणि यदा काला भवानि च कुलवाजिलमया दत्त गृहाण जगदीश्वरः करचरणयोः मन्दबुद्धाञ्जलिम् अर्पयामि समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि उसको पुष्पों को अर्पण करके भगवान की प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम जी तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीका हस्तानि भंगिनः श्रीकाध्वं सहस्रयोजने वदन्नवानि तन्नमति ज्ञानगानि च पापानि जनमान्त्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतिज्ञां पदे पदे। अब जो लोग मेरे साथ बोल सकते हैं बोलिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम जगदीश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं पदस्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। मेरे समान कोई पातकी नहीं पापी नहीं है और आपके समान कोई करने वाला आपकी नदी आप ऐसा करो आपके पर तेरा तो देखो अर्पण। बोले श्री अवराम चंद्र की। बोले श्री अवराम चंद्र भगवान की। सब भक्त अपने ओ
समन्वित वैव्यश्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्तिमस्तु चिरायमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यवान् सुखीवान् धनवान् समृद्धिवान् भव। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राण पराय सर्वजाति हरे गे नारायणोऽस्तुते। सौभाग्यमङ्गले अन्यादर्वदास्तुते। ॐ श्रीरोरजस्वायुस्तुमारोग्यमाभिधाच्योपमानम् महीयते धान्यम् धनम् वधुम् बहुवित्तलाभ सदसंवत्सरम् दीर्घायुः। सदेव लग्नन्दुधिनन्ददेवो तारावलञ्जन्द्रवलन्ददेवो विद्यावलन्देवलन्ददेव लक्ष्मीपदे कल्याणमस्तु आरोग्यवान् चिरजीवी भव। ओ
शरणागत दीनाथ परिशरागतपरायणे सर्वज्ञाति हरे देवि नारायणे नमोस्तुते। ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੱਕ ਹਮਾਰੇ ਆਜੋ ਭਗ
देही पैदोसे बाबा दे देही पैदोसे दे देही पैदोसे बाबा दे देही पैदोसे बाबा विच उड़ दे जावांगी बाबा विच उड़ दे जावांगी बाबा विच उड़ दे जावांगी साईं दोर हथों चढ़ी नावे पट्टी जावांगी सतगुर में तेरी ही पसंद सतगुर में तेरी थाली लगा के सतगुरु में तेरी पसंद सतगुरु में